सरदार असदुद्दीन अवेजी साहब और अकबरुद्दीन अवेजी साहब, खासदार इम्तियाज जलील और डॉक्टर गफ्फार कादरी वर्किंग प्रेसिडेंट, इनकी हिदायत पे आज उन्होंने बुला के एक ट्रक भर के अनाज लाया है। वो अनाज में गेहूं है, दाल है, तेल है, नमक है, चटनी है। थैंक यू म्हणते त्यांना मी, कारण की ते चांगलं काम करताय। जे गोरगरीब सध्या परेशान आहे त्यांना ते मदत करताय, त्याकरता खरंच मनापासून त्यांचे धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं रफत यार खान बिल कॉर्नल से, मेरी यार खान फैमिली की तरफ से और मेरी पार्टी सदर असदुद्दीन अवेजी साहब और अकबरुद्दीन अवेजी साहब, खासदार इम्तियाज जलील और डॉक्टर गफ्फार कादरी वर्किंग प्रेसिडेंट, इनकी हिदायत पे की रहनुमाई में हमने 2000 किट कंप्लीट किए थे और रिक्वायरमेंट की वजह से 2700 तक पहुंच गए हम। और सभी एरिए हमारे आसपास, वार्ड तो छोड़ दो, वार्ड एक छोटी सी चीज़ है, हमारे पास के आसपास के एरिए हैं, मुस्लिम दलित एरिए जितने हैं, हमने वहाँ पर एक किट बनाए और वो किट सबको ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँच कर उनका सर्वे कर। और जैसा हमारे पास खासदार इम्तियाज जलील साहब ने, जिसी के राशन कार्ड है, जिनको राशन मिलना चाहिए, और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने बताया, तो हमने उसके ऊपर भी गौर करें और हमने जितना कोशिश थी हमारी गौर मतलब उसको सर्वे कर उतना किए। और अभी हमने सबको एक टोकन सिस्टम दिए, घर घर जाकर और सर्वे कर हम जिसका टोकन है उसको टोकन जब डिस्ट्रीब्यूट हम एरिया वाइज कर रहे हैं और टोकन लेकर हम उसको किट देंगे। तो जितने समाज के लोग हैं, जितने ज़रूरतमंद हैं, पान टपरी वाले, ऑटो रिक्शा वाले हैं, मजदूर है और जो भी रोज़ कमाने खाने वाले हैं, हाथ गाड़ी वाले, घरों पे काम करने वाले, तो ऐसे की पूरी लिस्ट निकाले हमने और उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इंशाल्लाह अभी हमारा ये एक प्रोग्राम फर्स्ट है और कभी इसको मामले में आगे बढ़ता है तो उसके लिए भी हमने सोचे। हमारे फिरोज यार खान, अशफाक यार खान हमारे भाई हैं हमारी फैमिली में से, और हमारी यार खान फैमिली की तरफ से, पूर्व की तरफ से हमारा एक ताउन है। और मैं एक पार्टी के एसएस से, एक पार्टी का सिपाही, MIM पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं पार्टी के लिए और एक इंसानियत के लिए, सभी के लिए काम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह सबका मेरे को साथ है, वार्ड वालों का भी, और जहाँ से मेरे को जो काम कर रहा है एरिया में, मेरे को माशाल्लाह वहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा और सब बढ़ चढ़ के मेरे साथ एक टीम महले की भी है और औरंगाबाद शहर से बहुत सारे लोग मेरी वर्किंग के लिए मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपका चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे साथ जो टीम है, मेरी एक वर्किंग टीम, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी पार्टी ने मुझे जो डायरेक्शन दी है कि ताउन का काम करो, तो मैं उस डायरेक्शन पर चल के काम को अंजाम दे रहा हूँ MIM पार्टी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। ये डिस्ट्रीब्यूट का हमने अब जुमा की नमाज के बाद रखे थे और इंशाल्लाह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, लेकिन आज बड़े पैमाने पे हम एरिया वाइज टोकन सिस्टम करके, जो नियम बताए कि भाई 1 मीटर की दूरी पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, हमने यहाँ के एरिया पुलिस स्टेशन PI साहब को बुलाया है और जहाँ एरिया के जो PI है, पुलिस है, उनका एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रख रहे हैं, लोगों को घर पे रहो, किसी से हाथ मत मिलाओ। हमने एक स्टिकर भी बनाया और उसके अंदर भी पूरे डायरेक्शन दिए कि आप कैसा कोरोना वायरस को कैसा डिफेंस कर सकते हैं और अपन कैसा सेफ रह सकते हैं, तो उसके ऊपर कुछ हमारे साहब भी कुछ बताएंगे। अभी तो कुछ देर में हमारा एक प्रोग्राम चालू हो रहा एरिया वाइज, तो हम सैनिटाइज़र भी डिस्ट्रीब्यूट करें, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किए और अभी हमारा किट है तो इंशाल्लाह हम ये अभी तकसीम करने जा रहे हैं।
गाड़ी लगाने को बताता हूँ। तो यह सब पूरा कर अपने इसलिए मांगे के बीच में इसलिए रखे कि यहाँ पर अपना कंट्रोल है। पहले क्या इधर थैला की उधर थैला की लोग आइए सर आप ओ फेरल में जरा चल बड़े चल 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 एक तो भाई को छोड़ा वाला भाई को लेडीज बस ये मौसी इधर देखो इधर देखो सर पे दे दूं क्या हाँ चिट्ठी ले लिया हूँ जेन की लो चिट्ठी टोकन टोकन लो टोकन आज मेरे दोस्त नगर सेवक वार्ड नंबर 33 के रफत यार खान साहब कोरोना वायरस के होते हुए सभी तरफ लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में जो रोजी रोटी कमाने वाले जो लोग हैं लॉकडाउन की वजह से कुछ गरीब लोगों को अनाज रोज का खाना मिल नहीं रहा ख़त्म हो रहा है तो इसी तादाद पे खान साहब ने नगर सेवक ने एक सभी जो गरजू लोग हैं सभी समाज के वार्ड 33 के हो 25 के हो आजू बाजू के जो भी जिनको चाहिए जिनको गरज है वो गरजू को सभी को नागरिक को आज उन्होंने बुला के एक ट्रक भर के अनाज लाया है। वो अनाज में गेहूँ है दाल है तेल है नमक है चटनी है दाल है जो कम से कम एक फैमिली को 8 से 10 दिन 15 दिन तक चलेगा ऐसा अनाज आज बांट रहे हैं। वो बहुत समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सभी से विनती है कि जो भी बांटते समय जो कोरोना वायरस के जो नॉर्म दिए हैं
जो सोशल डिस्टेंसिंग दी है वो सभी पालकर गर्दी न करते हुए ये जो बांटा जाए, सभी से गुजारिश है कि सभी ने कोरोना वायरस के जो नॉर्म्स है वो सभी पाले और ये जो रोगराई होने से बचे और हमें सहकार्य करें, प्रशासन को सहकार करें। रघुपति राव खान साहब का प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत मैं आभार मानता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका नाम अनिल गायकवाड़, पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच। अभिनंदन करते मी त्यांचं, थँक यू म्हणते त्यांना मी, कारण की ते चांगलं काम करताय। जे गोरगरीब सध्या परेशान आहे त्यांना ते मदत करताय, त्याकरता खरंच मनापासून त्यांचे धन्यवाद। अच्छा रखे सबको, अच्छा रखे हमको, गरीब को मदद करे, बस जितनी दुआ है उनको दुआ, अल्लाह में देने वालों को भी दुआ, दुआ मिलने में सबको मिल रहा है। तरफ से हम लोग ऐसा किसी को वो नहीं किया, सबकी हेल्प किया, सबके लिए खड़े हुए हैं आपके, और ऐसा जात भाई कुछ नहीं किया, सबको अवॉर्ड दिया। कैसा इनका देने का तरीका कैसा था? उन्होंने कहा देने का तरीका एकदम सिस्टमेटिक है और एकदम लाइन से है, बरोबर है, और किसी को ऐसा नीचे ऊपर किया नहीं उन्होंने, एकदम लाइन से। किसी को पहले टोकन देकर, उसी का नाम लिखकर, उसके घर पर सर्वे कर बहुत अच्छे से दिए गया। और बाकी शुक्रिया आपका। अच्छा तुम्हारा ये चलो आ जाओ लाइन, टोकन मारा तो इनको जानना, जाओ खाने रे बेटा, वो पहले उस पर ये देखो सामने कार्टून पड़े हुए हैं, इधर से बेटा, इधर से, जिसमें इधर से ये चल ला ले, चलिए आ जाओ। सब डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सब एक एक मीटर की दूरी पे रखे लीजिए और मुंह को बांधो, अपने सैनिटाइजर यूज करा। ये हेलो, ये बच्चे के हाथ में चिट्ठी है, देखो आबिर वो सबको फोन कर रहा है, गाड़ी माइक दे के भेजता हूँ, और ये हम अनाउंसमेंट करो जिस जिससे लोग मिलती है, सामने आके लोग बोलो। हाँ माइक है ना, चलो उसके बाद आ जाओ, नहीं तो अपने चेक करने का, कितने नंबर है? 301 बहुत चिंता कर रहे तुम, हो गया लेके जाओ। मैं थोड़ा सा क्रॉस करूंगा, एंट्री चेक करने को नाम है, नहीं अपने घर के लोग हैं, लड्डू के लिए चिट्ठी, हाँ लड्डू के लिए चिट्ठी लेके दो ना, टोकन बराबर ले। मुंह बांध क्या रहो भैया, मुंह बांध क्या, टोकन दिए क्या?
हो गया ना चिंता कर रहे थे तीन सौ छह हजार भाई मुंह तो बांधो ना अरे दस्ती बांधो दस्ती अरे अरे दस्ती बांधो थोड़ा मौसम का है इसका गोपन वालों को भैया गोपन वालों को नहीं नहीं मिल्की मस्जिद के गेट के सामने औरंगाबाद टेक्सटाइल बारापुर लेगी टाइम पे राशन दे रहे हम दुआ में याद रखो सर पे दू क्या जाओ सब मरी जाओ लाइन में बॉक्स अरे पहुंचाने का क्या बच्चे हाथ लगा अरे का है बच्चा का है तुम्हारा अरे तुम आगे आ जाओ अंदर एक बाजू ये बोलना है कामों को भजाओ घरों को।